नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 13 राज्य जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस पंचायत चुनाव में वैसे तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अभी तक जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को 690 सीटें मिली हैं। वहीं बीएसपी को 381 तो कांग्रेस के खाते में 76 सीटें गई हैं। निर्दलीय एवं अन्य को 1156 सीटों पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा था। ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी अहम था। सभी पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टियों ने अपना चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को नहीं दिया और सिर्फ समर्थित उम्मीदवार उतारे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने किसी पार्टी की जीत का ऐलान नहीं किया है। ये सभी आंकड़े पार्टी उम्मीदवार और उनके अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट से जुटाए गए हैं। आज तक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि बहुमत किसी गठबंधन या दल को नहीं मिला, लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। हालांकि बीजेपी ने अंतिम परिणाम आने के 24 घंटे पहले ही बहुमत तक पहुंचने का ऐलान कर दिया था। सोमवार शाम को यूपी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि बीजेपी के 918 समर्थित उम्मीदवार जीत चुके हैं और 456 उम्मीदवारों ने निर्णायक बढ़त बना रखी है। बाकायदा पार्टी नेताओं ने इसे मीडिया में भी जारी किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़े कुछ और दर्शा रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव में मिली जीत से समाजवादी पार्टी में खुशी का माहौल है। पार्टी ने अपने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर जीते हुए उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को कोरोना के इस दौर में लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा है। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है। उधर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट में निर्दलियों को भी जोड़कर यह आंकड़ा बता रही है, जबकि बीजेपी उनसे आगे है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत और हार को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।